तेणु जहाँ भी हूँ ये गोटे मंडी गोटे घटना कही परवर्त वक्ता को अनुरोध करी ये जो साक्षी गोपाल कथा संबित भाई कहते घटना हूँ एमती श्री श्री ठाकुर जाणी नथिले जे सेठी साक्षी गोपाल अच्छी आपण मैंने साक्षी गोपाल स्टोरी समस्त जानी से भगवान पथर हो जाते चली चली जाऊे साक्षी देवाई कहते पशु को देखना जोबले बांगुंगुर शब्द शुणागला ना से भक्त पशु को देखते भगवान पथर हो गले कारण कही पशु को फेरी देखना ये साक्षी गोपाल घटना श्री श्री ठाकुर जोबले सुभाष बाबू पिता अनुरोध क्रमे पूरी से अकस्मात खोजा पड़ा से ना से तो मोबाइल नाला समस्त व्यतीग्रस्त हो गले संध्या समय श्री श्री ठाकुर आस उपस्थित हमें पूरी से पचारे ठाकुर आप कड़े जाते श्री श्री ठाकुर कहले अजणात चलु चलु अनेक दूर चलीगली गोटाए जगार मोर पाद रहीगला से चली पारि ना बुझी पचारि जगार ना कौन समस्ते कहले साक्षी गोपाल तेणु ये हूँ प्रभु लीला से पुरुषोत्तम जुगे जुगे आसती आज की आसी धर्म संस्थापना विज्ञान पुनः प्रतिष्ठा मनुष्य भितर नूतन दिग्दर्शन देवाई जहाँ भी हूँ मोर परवर्त वक्ता हूँ डॉक्टर सपन विश्वास से विख्यात डाक्टर देवघर में उपस्थित हजार हजार लक्ष लक्ष लोक से देखी आपण मैंने समस्त चिन्हित मुझे विषय कौन सी उपक्रमणिका कर मोर मानते धृष्टता मात्र बहु पिलादिन आम संस्पर्श से आसीचु द्वारा अनुप्राणीत होचु श्री श्री ठाकुर कथा से आमको विशेष भाव अनुप्राणित करेणु आज अनुरोध करी से श्री श्री ठाकुर दृष्टि स्वास्थ्य यही कथा आपण मान सम्मुखें जोड़ी धरवे से हिंदी में वक्तव्य रखे डॉक्टर सपन विश्वास अभय भाई कहले बर्तमान जो डीपी वार्क चली संबंध में आपण मानक सूचित करने आपण मैंने समस्ते जानते जो डीपी वार्क लिखाई से जगह जीवे और निजर नाम से कहे और काउंसलिंग ने मानने उपदेश ने बर्तमान मुझे डॉक्टर सपन विश्वास को अनुरोध कर वक्तव्य अनुष्ठान
जो सुबह से शुरू हुई अब तक चल रहा है, ये नेशनल लेवल क्या इंटरनेशनल लेवल का हो गया, जातीय स्तर का नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। इसका कारण और कुछ नहीं है, सद्य प्रयात प्रधान आचार्य देव श्री दादा ने कहे थे, जो पूरी में परम दयाल का आगमनी स्मृति उत्सव जो होगा उसका जो शतवर्ष पालन होगा वो नेशनल उत्सव होगा, जातीय स्तर का उत्सव होगा। सही प्रकार से वो आज हुआ है, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, सब कोई खुश है, विश्व ब्रह्मांड खुश है। वर्तमान आचार्य देव भी आशीर्वाद किए थे भालो करे उत्सव करबें, वही हुआ। इसी अनुष्ठान के सिलसिले में जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस अभी हो रहा, इससे पहले सुबह से आप लोग जानते हैं हमारा विशाल मेडिकल कैंप हुई ठाकुर का दया से। मैंने 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप अटेंड किए हैं, लेकिन इतना बड़ा इतना पैमाने से मेडिकल कैंप कभी नहीं हुआ था। ठाकुर का दया, आचार्य परंपरा का दया, इतना इतना विभाग आज सेवा प्रदान किया, हम लोग देखते चकाचक बन के रह गए। आप लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं, फायदा ये हम लोग का खुश है। और एक बात बोलना चाहते हैं कि जो नेशनल सॉन्ग है जातीय संगीत द्राविड़ उत्कल बंगलो, आप लोग के बारे में लिखा हो उत्कल बंगलो, यानी उत्कृष्ट कला का देश है उत्कल भूमि, इसको ओडिशा कहा जाता है। तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट कला का देश तो है ही है अपने आप, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ओडिशा नाम में जो लगाव है, जो अर्थ अभी हमारा सामने विशेषत्व जो स्पेशलिटी आया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। उत्कृष्ट तो है ही है, यहाँ डी का मतलब डॉक्टर है, डिवाइन है, डिवोशन है। ओडिशा का इतना डॉक्टर, इतना पैमाने से, इतना तादाद से सेवा सिर्फ इस कैंप में नहीं, सारा ओडिशा में, सारा देश में, सारा दुनिया में दे रहे हैं, तो हमारा गर्व का विषय है। सत्संगी डॉक्टर ओडिशा में पैदा हुए, ये जगन्नाथ देव का लिगेसी का जगह है, कारुकर्म जगन्नाथ पुरुषोत्तम जगन्नाथ का जगह से पैदा होके अभी पुरुषोत्तम युग पुरुषोत्तम का शरण लेकर उन्होंने कितना बड़ा बड़ा अचीवमेंट उन लोग पाए हैं, कितना स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट और कितना बड़े बड़े डिग्री लेकर आज सेवा दे रहे हैं सारा दुनिया में। ये हमारा पहचान है, ये गर्व का विषय है, इसमें कोई शोक नहीं है। तो उड़ीसा में पी रहा बूढ़ा उत्कृष्ट डॉक्टर डिवाइन डॉक्टर रहा है, विशेष में आदमी को सेवा देते हैं, और शाम में रहा है सर्विसेबल सत्संगी साधक है वो लोग सब, ये हमारे लिए भाग का बात है। और हमारे लिए और बड़ा भाग का बात है कि परम दयाल श्री ठाकुर जब दुनिया में आविर्भूत हुए, वो लोक सेवा का जो माध्यम, जीवोद्धार का जो माध्यम जो ग्रहण किए पहले, जो उनका भूमिका रहा, वो डॉक्टरी शास्त्र का माध्यम से उनका जीवोद्धार जीव सेवा शुरू किए थे। इसलिए हम लोग डॉक्टर समाज अलग रूप से भाग्यवान है, ये हम तो स्वीकार करते कि भी हम लोग ले जाते हैं। ये गुरुदेव दत्त भाई बोले हैं कि ठाकुर का दृष्टि से जो चिकित्सक समाज का सेवा वो कैसा होना चाहिए, उसका ऊपर में कुछ विचार आपके सामने पेश करें। तो ये प्रश्न कहाँ से उनका दिमाग में आया है, इसलिए आया है कि दुनिया में कोई डॉक्टर खाना का अभाव नहीं है, डॉक्टरी गवेषणा केंद्र का अभाव नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी का अभाव नहीं है, मेडिकल कॉलेज का अभाव नहीं है, विशेषज्ञ अति विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट उपाय स्पेशलिस्ट का कोई अभाव नहीं है। लेकिन फल क्या हम लोग देख रहे हैं जितना डॉक्टरी शास्त्र का गवेषणा हो रहा है, डॉक्टरी सेवा जितना पैमाने से दिया जा रहा है,
प्रीति प्यार सहानुभूति सहमर्मिता ये सब जितना ग्रेट ह्यूमन क्वालिटीज सबसे बड़ा बड़ा मानवीय गुण का इकट्ठा करके जो कुछ होता है ठाकुरत्व और ठाकुर जी का विकम कंठ से निश्चित जो बोला गया ठाकुरत्व का मतलब क्या है कि बुक भरा प्रेम हमारा दिल प्रेम से भरा होना चाहिए सरल मन सीधा सीधा मानसिकता और यूनिवर्सल सर्विस विश्वजनीन सेवा मधुर वाक्य मीठा बात आदमी को बोलना चाहिए मतलब जो मानवीय गुण अगर चिकित्सा शास्त्र के साथ मिला हुआ नहीं रहेगा तो जितना भी शास्त्र प्रतिष्ठान हो सकता है शास्त्र संबंधित गवेषणा हो सकता है जितना भी दवा दारू निकलता है जितना भी सेवा का मशीन निकलता है सेवा इनकम्प्लीट रहेगा शास्त्र नहीं आ सकता है लेकिन ये ह्यूमन मटेरियल इन्फ्यूज्ड कैसा होगा हमारे मन में ये जो मानवीयता का गुण आएगा कैसे जब हम सदगुरु पावे भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश पहला को महिला छूटे जब आत करे प्रवेश हम अगर सदगुरु को ग्रहण करेंगे जैसे हमारा जीवन ठाकुर को मिला है आचार्य परंपरा को ग्रहण करेंगे उन लोग का सन्निधान में जाएंगे उन लोग का संस्पर्श में जाएंगे उन लोग का बात सुनकर अपना जीवन को आलोकित करेंगे तब हमारा जीवन में जो मानवीय गुण विकास होगा प्रकाशित होगा हम हमारा सेवा का माध्यम से वो वितरण करेंगे और जो शास्त्र नीति जो है और शास्त्र जो कार्यक्रम है वो सफलता प्राप्त होगा नहीं तो नहीं हो सकता है और किस तरह से हो सकता है वो ठाकुर का डॉक्टरी जीवन जैसे कि पहले हमने बताया हम लोग विशेष भाग्यवान है ठाकुर जी डॉक्टर हिसाब से चिकित्सक हिसाब से शुरू किए थे अपना जीवन तरह का काम और जो शास्त्र प्रदान आदमी करते थे जो शास्त्र सदाचार के बारे में बोले हैं मेरा सुशांत भाई इतना सुंदर से आप लोग ऐसा बड़ा जितना है शास्त्र संबंधित बात वो जो ठाकुर शुरू किए थे डॉक्टरी जीवन उनका डॉक्टरी जीवन ही अपने आप सारा दुनिया का ये एक शिक्षा का तो निदर्शन है कि कैसे डॉक्टरी शास्त्र को प्रैक्टिस किया जाए अभ्यास किया जाए सेवा प्रदान किया जाए हम लोग देखे हैं ठाकुर जी का जो प्रैक्टिस शुरू किए ठाकुर जी का जीवन में वो तो जब गांव में गए अति अल्प दिन में बहुत कम दिन में देखा गया है उनका प्रैक्टिस हजारों तादाद से बीमारी आने लगा उस समय उन्होंने ठाकुर का कहा हुआ बात से मैं बोल रहे कि एक दिन में 500 से 1000 रुपये उनके काम होता था सोशल पहले का बात लेकिन ठाकुर जी आदमी का शारीरिक जो चिकित्सा में लगे नहीं रहे क्यों ठाकुर जी देखे हैं आदमी का मन को अगर साफ नहीं किया जाता है मन में अगर मैला रहता है आदमी तो उसको हम शुष्क करने नहीं सकेंगे इसलिए शारीरिक चिकित्सा प्रदान करते करते ठाकुर मानसिक चिकित्सा प्रदान के तरफ अपने आप को मोड़ दिए मानसिक चिकित्सा के बारे में दो एक घटना आप लोग जानते होंगे मैं संक्षिप्त तरफ से कहने चाहता हूँ संक्षिप्त से आप लोग दुर्गानाथ सन्लाल का बात सुने हैं बहुत बड़ा भक्त ठाकुर जी का तो उनका पेट इतना खराब था कुछ खाने के साथ साथ उनको मैदान करने पैखाना में लेटिन में जाना पड़ता था तो बहुत साल बहुत तरह का दवा दारू करके सारा इंडिया में दवा दारू करते हुए ठीक नहीं हुए वैद्यनाथ धाम देवगढ़ ठाकुर तो पावना में थे लीला कालीन समय का बात बोल रहे हैं वैद्यनाथ धाम में आकर वैद्यनाथ जी का पास प्रार्थना की उनको सपना मिला जो तुम्हारा जो बीमार है उसके इलाज के लिए यहाँ आए हो वैद्यनाथ तो तुम्हारा गांव में है जाओ उनसे मिलो ठाकुर जी का बारे में इशारा किए सपना में दुर्गानाथ सन्लाल लौट के गए पावना में और ठाकुर जी का सपना ठाकुर जी का दर्शन किए तो ठाकुर जी उनको देखते हुए बोले अपने माँ को बोले जो इनको आउस का चावल जो सहज से पचता नहीं है गुरुपा खाना है और छोला का दाल बना के सो खिलाओ जो आदमी गीला भात खाने से
सुख हिसाब से था, सोया हुआ था इच्छा, कोई दिया नहीं था इसके पेट के मार, मन खराब, मन को भले इलाज किया जाए वो ठीक होता है। ठाकुर जी वो प्रमाण करके दे, साबित कर दिए कि मन को ठीक ठाक करने से प्राथमिक शरीर सुस्त होता है। मन का इलाज के बारे में बार बार बोल गए हैं। इस आज इस समय में ये जो जो 100 साल का आगमनी स्थिति उत्सव आज है, उस समय का घटना मेरा याद आ रहा है। जो आप लोग सुने हैं संगीता से कि जानकीनाथ बसु जो सुभाष चंद्र बसु का पिताजी थे, उनका माँ प्रभावती देवी, उनका आमंत्रण से आए थे ठाकुर यहाँ, जो पुरी में ठहरते 2 महीना हरनाथ लॉज में। उस समय एक रसोई कार्य थे उनका, पाचक जो खाना बनाते थे ब्राह्मण, वो हर रोज चावल चुरी करके नीम का पेड़ का नीचे छुपा के रखते थे। हर कोई शिकायत करता था ठाकुर को, ठाकुर जी सुनते नहीं थे। एक रोज रंगा हाथ पकड़ा गया वो 6-7-8-10 दिन के बाद कि चावल चुरा के पेड़ का नीचे छुपाता है, मिट्टी का नीचे। सबको इसको मारने को भगा है, मारने के लिए तैयार उत्तर हो गया। ठाकुर जी किसी को उसको मारने नहीं दिए, उसको बुला के बोले तुम चुराते हो क्यों? बोले ठाकुर मुझे जो तनख्वाह मिलता है, मुझे जो कुछ मिलता है, जो रोजगार मेरा होता है, उससे मेरा घर का जो खर्चा चलता नहीं, इसलिए मैं चुराता हूँ। ठाकुर जी सब चावल उसको दे दिए और वो कुछ सामान दिए और चुपके से बोले 1-to-1 तुम चुराते हो, मांग लेने से देखो तुम हमारे यहाँ काम करते हो, आगे तुम्हारा नाम शिकायत करता है, साबित भी करते तो चुरी करते हो, मेरा मन में कितना दुख हुआ। वो ब्राह्मण ठाकुर को प्रणाम किया, उसके बाद को भी वो चोरी नहीं किया, सिर्फ ठाकुर जी के पास ले ही नहीं। देखिए ठाकुर जी का ट्रीटमेंट, जस्ट समवन नॉट टू पानिश बट टू कंसोल टू रेक्टिफाई, इसी के बारे में कुछ विचार करना है, उसको सांत्वना देना होगा, उनको सहानुभूति से उसको सुधारना होगा। ठाकुर जी का जो मानसिक चिकित्सा का वर्ताल है और ठाकुर जी का जो चिकित्सा नहीं है, हम लोग तो फिर जैसे हैं, हम लोग को फीस मिल जाने से हो गया, पॉकेट में डाले चले, बीमारी कैसा है, दवा खाया कि नहीं, उसका कोई पथ है कि नहीं, खाने का कुछ घर में है कि नहीं, खबर कुछ नहीं करते। हमारा पॉकेट में हो गया, बैंक में भर दिए तो फीस ले लिए, हो गया। युग पुरुषोत्तम ठाकुर चिकित्सक रूप से नहीं करते थे, वो बीमारी को दवा खरीदने का पैसा है कि नहीं वो खबर लेते थे, वो दवा खाया कि नहीं ठीक ढंग से खबर लेते थे, दवा खा के ठीक ठाक है कि नहीं वो भी खबर लेते थे। अगर कोई खबर नहीं दिया, ठाकुर जी बीमारी का घर का आसपास ढूंढते थे ताकि कोई अगर देख के उनको बुलाए तो जाकर वो खबर कर सकेंगे और उसको उत्साह दे सकेंगे, इंस्पिरेशन दे सकेंगे ताकि वो अच्छा हो जाए। ये ठाकुर जी का देखिए क्या चिकित्सा नीति है, उसका सफलता नहीं आएगा किसका सहायता आएगा। इस कोरोना काल में हमको दो चीज याद आ रहा है, दो चीज में हमारे ठाकुर जी का बात याद आ रहा है। एक तो है जो वैक्सीनेशन, 175 करोड़ आदमी का फर्स्ट सेकेंड और बूस्टर डोज हो गया, 175 करोड़ वैक्सीनेशन इंडिया में हो गया काल तक। लेकिन ये जो कोरोना का वैक्सीनेशन, प्रभात भाई बोले ठाकुर जी कोटेशन
राजनीति को, क्यों हम लोग का जो कंसल्टेंट आज बैठे हैं हमारे भाइयों सब सोतादात से स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट का कंसल्टेंट है, कोई ब्रेन का कंसल्टेंट है, कोई हड्डी का कंसल्टेंट है, कोई चमड़ा का कंसल्टेंट है, और ठाकुर जी है कंसल्टेंट ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, बचने बढ़ने का हर तरह का होलिस्टिक कंसल्टेंट ठाकुर जी है। इसलिए उनका जो मानसिक भंगी है चिकित्सा शास्त्र के बारे में से आखिर जो तो नवराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए नाम, दुनिया में हर कोने कोने में जितना गांव है शहर है हर दरवाजा में ये सब नाम प्रचार होगा। हम लोग इसको गारंटी समझ लिए, भविष्य वाणी समझ लिए, आगम जान वाणी समझ लिए, लेकिन ये एक जिम्मेवारी ठाकुर हम लोग को दिए हैं। जो द्वितीय वर्ग का रूप में थोड़ा पहले जो बोले थे गुरुदत्त भाई अभय भाई बोल रहे थे द्वितीय वर्ग के रूप में पंचम पुरुष के हिसाब से बाबू आज सबका दरवाजा में ठकचका रहे हैं इसी के बारे में, तो सही ढंग से ठाकुर जी को ग्रहण करके सही ढंग से पालन किया जाए, विश्वविधि प्रेरण किया जाए और हमारा आपका बीच में जो जो संपर्क है जो सब परिवेश हम लोग जो बढ़ेंगे सत्संग समाज हिसाब से उसका खुला हुआ एक जो रास्ता है डीपीओ का माध्यम से हो सकता है, ये जिम्मेवारी हमको लेना होगा। जब हम सत्यनाश्रम पढ़ रहे हैं जो सदगुरु का शरणापन्न हो सत्संग सत्संग ग्रहण करो सत्संग का शरणापन्न हो तो तुम्हारा उन्नति के लिए मंगल के लिए सोचना नहीं होगा, ये गारंटी हम लोग खूब आराम से लिए खुशी से। लेकिन जो ठाकुर बोले हैं तुम ठीक ठीक जानो कि तुम तुम्हारा अपना दस का देश का वर्तमान परिवार का वर्तमान भविष्य के लिए तुम जिम्मेवार हो, दाई हो, ये बात भी हम लोग याद रखना चाहिए। इसलिए हर घर घर में जो सतनाम सतगुरु के प्रचार होगा इसका माध्यम कौन है, हम है आप है, तो बी एन डी कानून का कंसल्टेंट बोल जैसे बोले सर्वात्मक बचना पड़ने का जो कुछ जो जो अपघात अपशक्ति है उससे दुनिया को बचा सकता है सतनाम सतगुरु है कि नहीं। सब दिखा तो ये खुनी ने इष्टते राग समुदिति मरण कारण इनाम जो पे काटे काल जम तो ठाकुर का दिखाया हुआ जो चिकित्सा पद्धति है जुगो चिकित्सा पद्धति है उसको हम लोग मानेंगे तब हम लोग सब कोई बचेंगे, सब कुछ को सबको बचाने का कोशिश करेंगे, बढ़ाने का कोशिश करेंगे। हम लोग सिर्फ 5 करोड़ है सत्संगी और दुनिया का जो जनसंख्या है 800 करोड़ और ठाकुर जी जीव जगत जीवन कारण है सबके लिए, ठाकुर जीव जगत जीवन कारण 800 करोड़ आदमी के लिए और सबको बचाने का जिम्मेवारी हम लोग को दिए हैं वो हम लोग को याद रखना चाहिए। और एक बात बोलते हैं चिकित्सा पद्धति में सदाचार में वो आ रहा है खाना पीने के बारे में बोल रहे थे सुशांत भाई, कोरोना पीरियड में देखा गया है जो निरामिषाशी है शाकाहारी है उन लोग को एटैक कम होता है, उन लोग को कोरोना पकड़ता कम, अगर पकड़ता भी उन लोग सीरियस कम होते हैं। तीसरा देखा गया है बहुत खराब ढंग से आक्रांत कोरोना बीमारी और सतनाम जप करके जिसका हार्ट खराब हो गया किडनी खराब हो गया ब्रेन खराब हो गया जो तो बेहोश हो गए वो भी बच के उठे हैं सतनाम सतमंत्र जप करके, ये देखा गया है ये आप लोग को हम जानता हूँ। तो आप लोग हमारा सामने कोरोना जैसा हजारों हजारों अपघात शक्ति आ रहा है इससे बचने के लिए ये ठाकुर जी का जो महान नीति हमको पंचनीति हमको मिला है सही ढंग से हम लोग मानेंगे। अगर ठाकुर का दृष्टिकोण से हर कुछ का अगर इलाज होता है तो हम स्ट्रेस डिजीज डाइजेस्टर सब कुछ से बात सकते हैं, हम लोग डिजीज डाइजेस्टर और डेथ सबके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग दारिद्र के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग ठाकुर जी का नीति चिकित्सा नीति अपनाएंगे। इससे ठाकुर जी बोले हैं कि कोरोना में जी पालो मृत्यु को अवलुप्त करो, मृत्यु को अवलुप्त करने के लिए बोले हैं और ठाकुर जी का नीति पालन करने से हम लोग दूर कर पाएंगे। इसलिए मेरे दादाओं मेरे माताओं भाइयों और बहनों आज समय आ गया है ठाकुर जी का दिया हुआ
उसी को सर्वात्मक धरण से चिकित्सा पद्धति समाज के हर दरवाजे में पहुंचाने का जिसका हम लेंगे। एक बार का सबका मंगल प्रार्थना उनका सिंचरण में करकर मेरा वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री।